नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ में। और आज मैं बात करने वाला हूँ ग्राहकों के बारे में। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा हुआ है कि उनके ग्राहक उनके वहां पर रिपीट नहीं आते हैं, और जिसके कारण उनका बिजनेस कहीं ना कहीं बड़ा नहीं हो पा रहा। आप सोचिए कि अगर आपका बिजनेस बड़ा करना है तो आपको क्या करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि किसी भी इंसान को अगर अपने बिजनेस को बड़ा करना है दो चीजें उसको करना बहुत जरूरी है। पहली चीज है कि उसको सेल्स और मार्केटिंग करना है जिससे उसके नए ग्राहक उसको मिल सके, और दूसरा अपने पुराने ग्राहकों को टिकाए रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसी आज मैं 15 गलतियां आपको बताने वाला हूं जिससे आपका ग्राहक आपको छोड़कर जाता है, और ये गलतियां इतनी बड़ी हो रही है कि जिससे हम कहीं ना कहीं अपना नजर अभी तक उस पर नहीं डाल पा रहे, और इसके कारण हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी वो गलतियां हो रही है जिसके कारण हम सबको अपना बिजनेस बड़ा करने में तकलीफ आ रही है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना, और वो 15 गलतियां आप अपने अंदर ढूंढना कि कहाँ पर मैं वो गलतियां कर रहा हूँ जिससे मेरा बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा है, और उस गलतियों को आज से मैं बंद कर सकता हूँ या आज से मैं उसको खत्म कर सकता हूँ। तो देखिए वो गलतियां कौन। तो जैसे मैंने बताया कि 15 वो कौन सी गलतियां जिसके कारण हमारा ग्राहक हमें छोड़कर जाता है, तो उसके बारे में सबसे पहली गलती हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम कस्टमर को बार बार कई बार फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, और उनको कहीं ना कहीं व्हाट्सअप करते हैं जिससे वो इरिटेट हो जाता है, और इस इरिटेशन के कारण वो आपको छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि आप उसे परेशान कर रहे हो, उसकी जाती जिंदगी के अंदर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, और इसलिए वो आपको लेके नेगेटिव हो जाता है और वो आपको छोड़कर चला जाता है। तो पहली गलती हम करते हैं कि हम उसको किसी भी चीज को लेके अति कर देते हैं, चाहे वो मैसेज हो, कॉल हो, या फिर व्हाट्सअप हो, इसके कारण वो हमें छोड़कर चला जाता है। दूसरी गलती जो हम करते हैं, वो कई बार हमारे वहां पर कस्टमर आता है बड़ी उम्मीद के साथ में, लेकिन हम उसको मना कर देते हैं। वो चाहे हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आया हो सकता है कि वो किसी सर्विस को लेके आपसे कंप्लेन करने आया हो सकता है कि आपको लेके उसको कुछ प्रॉब्लम हो जिसे वो बताना चाहता है, बट हम उसको डायरेक्टली मना कर देते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है या हम ये सर्विस अवेलेबल नहीं करवाते हैं। तो इस कारण से भी आपका ग्राहक आपको छोड़कर चला जाता है। तो इसके सामने हमें क्या करने की जरूरत है, हमें पहले कस्टमर की बातों को समझना बहुत जरूरी है, और हम उसको डायरेक्टली ना मत बोले। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें ग्राहक ना बोलने से भी छोड़कर चला जाता है। तीसरा है कि कई बार हम अपने कस्टमर से ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं और उस कमिटमेंट को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अपने कस्टमर को बहुत बड़ी बड़ी चीजें कमिट कर देते हैं, लेकिन जब उनका कमिटमेंट पूरा नहीं होता है तो इस चीज को लेके कहीं ना कहीं उसका आपके कस्टमर जो हैं वो आपसे नाराज होते हैं और वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो तीसरी गलतियां हम करते हैं कि कई बार हम ओवर कमिटमेंट कर देते हैं और लेस डिलीवरी कर देते हैं जिससे हमारा ग्राहक हमें छोड़कर चला जाता है। चौथा है कि कई बार हमारा कस्टमर हम तक पहुंच नहीं पाता है। कई बार हमने उनको कोई प्रोडक्ट या सर्विस हमने सेल की है, लेकिन हम अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट नहीं रखते हैं, हम अपने आप को इजी एक्सेसिबल या इजी रीचेबल नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण हमारा ग्राहक हमें छोड़कर चला जाता है। जरा सोचिए कि आपने किसी प्रोडक्ट को या किसी कस्टमर को आपने किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को आपने कहीं से परचेस किया, और वही चीज आपको अगर प्रॉब्लम कर रही है और आपको रिटर्न करना है या कंप्लेन करना है, तो ना आपको उस कंपनी का फोन नंबर मिले, ना मेल आईडी मिले, ना वेबसाइट मिले, तो क्या आप उस ग्राहक को या उस दुकानदार के पास आप दोबारा जाएंगे खरीदने के लिए? शायद नहीं। तो ये चौथा कारण है कि कई बार हमारे ग्राहकों को हम तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इतना हार्ड ना बने हमारे तक पहुंचने के लिए, लोग हमारे तक आसानी से पहुंच जाए, तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। पांचवी गलती हम जो करते हैं, कई बार हम अपने बिजनेस को फॉरएवर, मतलब कि हमने एक टाइमिंग रखा हुआ है कि सपोज सुबह 9 बजे हम ओपन करते हैं, रात को 9 बजे हम अपना क्लोज करते हैं। तो कई बार हमारे ग्राहक को रात में 10 बजे या 11 बजे आपसे कोई काम हो, तो खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूरी तरीके से आपका बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, आपको मेल, आपका फोन, या फिर आप उसको एटलीस्ट नेक्स्ट डे आप उसको अवेलेबल हो जाओ। तो ऐसा ना हो कि यार इनका तो एक सिचुएशन हो गया है कि 9 बजे के बाद ना ये फोन उठाते हैं, ना ही ये लोग कहीं सर्विस का कोई भी इन्होंने मैसेज या वगैरह ड्रॉप किया है या मेल वगैरह का रिप्लाई देते हैं। तो कभी भी हमेशा के लिए क्लोज नहीं होना है, आपको एटलीस्ट थोड़ा पार्ट चालू रखना है हमेशा 24 घंटे के लिए, जिससे आपका ग्राहक
ऑलवेज आपके साथ में जुड़ा रहे। तो ये पांचवा कारण है जिससे हमारा ग्राहक हमें छोड़कर जाता है। छठवां है, कई बार हम हमारे ग्राहक को फूल बना देते हैं, और शायद हम भी बहुत बार ऐसा बने होंगे कि बताया कुछ और जाता है लेकिन मिलता कुछ और है। तो जब भी ये चीज उसको महसूस होती है कि उसको बेवकूफ बनाया गया है या फिर उसको बताया कुछ और गया है और उनकी रियलिटी कुछ और है, अगर जब उनको ये महसूस होता है तो हमारा ग्राहक हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ये छठवां कारण है। सातवां कारण है, कई बार हमारी कुछ पॉलिसीज, हमारे कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं जो हम कस्टमर को अपने तरीके से चलाने की बात करते हैं, लेकिन कस्टमर के पास आज पैसा है तो कस्टमर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसके पास ऑप्शन है, तो वो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से आपके साथ बिजनेस करना नहीं चाहता है। आपकी हर पॉलिसी को, हर टर्म कंडीशन को, हर नियम को जरूरी नहीं है कि वो मानेगा, लेकिन अगर हम वहां पे अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखते, हम हार्ड बन जाते हैं कि नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, हमारे साथ आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, तो हमें हमारा ग्राहक छोड़कर चला जाता है। क्योंकि आज मार्केट में ऑप्शन बहुत अवेलेबल है और आज शायद वो आप ही नहीं हो जो उसको सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओगे, बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए आपके साथ वो धंधा आगे नहीं करता है। तो ये सातवां कारण है कि हम कई बार फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हमारे कस्टमर के साथ में। आठवीं चीज है, कई बार हमने देखा हुआ है कि किसी एक ग्राहक के चोरी से बाकी सारे ग्राहकों के ऊपर शक किया जाता है, तो कस्टमर कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भाई किसी एक की गलती के कारण आप सबको पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि मैंने वो नहीं किया है तो मैं वो पनिशमेंट क्यों लूं। अगर सबको एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है किसी एक की गलती से, तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राहक हमें छोड़कर जाता है और वह ये डिसीजन लेता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसी एक की गलती के कारण हम सारे कस्टमर को उसी तराजू से ना तौले, नहीं तो हमारा ग्राहक हमें छोड़कर चला जाएगा। नौवां है कि हमें खास ध्यान रखना है कि ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस तो रखनी है। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राहक छोड़कर जाता है उसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हम ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है। क्यों? आपके सोचिए कि आप कोई भी चीज ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले आज आप कहाँ ढूंढेंगे, हम सब ऑनलाइन ढूंढेंगे। और अगर ऑनलाइन के ऊपर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी वेबसाइट नहीं है, आपका सोशल मीडिया पेज नहीं है, आपके कोई भी पोर्टल पे आप रजिस्टर नहीं है, तो आपको ढूंढेगा कैसे? और अगर आप उसको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं तो वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेता है और आपको छोड़कर चला जाता है। तो ये नौवां कारण है कि हमें हमारा ग्राहक छोड़कर जाता है क्योंकि हम अपने आप को ऑनलाइन नहीं रख पाते। दसवां कारण है, कई बार हमारा ग्राहक हमें एक मौका देता है कि चलो ठीक है आपके वहां पर एक बार आता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ। अगर उस एक मौके को हम नहीं पकड़ पाए, हमने एक मौके में उसको इम्प्रेस नहीं किया, तो भी हमारा ग्राहक हमें छोड़कर चला जाता है, क्योंकि ग्राहक हमें एक ही मौका देगा। तो खास ध्यान रखना है कि हमारा ग्राहक हमें छोड़कर ना जाए, तो उस एक मौके के अंदर ही हमें उसको इम्प्रेस कर देना है, हमें उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर देना है, जिससे वो हमारे साथ फ्यूचर में भी जुड़ा रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमारे लिए चांस है कि एक ही चांस हमें मिलता है जिसमें हमें अपने कस्टमर को अपने साथ में जिंदगी भर के लिए जोड़े रखने के लिए मौका मिलेगा। ग्यारहवां कारण है कि कई बार हमारे वहां पर इतना ऑटोमेशन हो जाता है कि ऑटोमेशन कहीं ना कहीं कस्टमर की लॉयल्टी को मार देता है। जैसे कि सोचिए आपके वहां पे प्री रिकॉर्डेड मैसेज है कि आपने फोन किया, आपका कॉल बिजी आ रहा है और वहां से एक ऑटो मशीन बोल रहा है कि आप प्रतीक्षा करें और आपको फोन करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम फोन कीजिए, अभी हम बिजी हैं। अगर ये सारी चीजें आपका कस्टमर को बार बार सुनने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको छोड़कर चला जाता है। तो ऑटोमेशन भी बहुत ज्यादा हमारे बिजनेस के लिए कभी कभी हानिकारक हो जाता है। तो ऑटोमेशन हम हर जगह काम नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम इंसान के साथ में डील कर रहे हैं, मशीन के साथ में नहीं। तो कई बार इंसान फीलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए, तो इसीलिए हर जगह पर ऑटोमेशन हम ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर की लॉयल्टी खत्म हो जाएगी। बारहवां कारण है जो हमें छोड़कर जाना जाता है कि कई बार हम हमारे ग्राहक को हम वो बताने की कोशिश करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन खास ध्यान रखना कस्टमर वो सुनना चाहता है जो उसको पसंद है, जो वो चाहता है। तो हम अगर अपने ही बारे में अपने ही शेखी बगाड़ते रहेंगे जो हमें अच्छा लगता है, तो हमारा ग्राहक हमें छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ग्राहक को पैसे देने हैं तो उसकी जगह वो वहीं जाएगा कि जहां पर उसको वो जो सुनना चाहता है वो मिले। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान रखना जरूरी है कि कस्टमर
को जो सुनना है वो उसी चीज को ही सुनने के पैसे देगा, ना कि आपको जो पसंद है उसके पैसे वो देगा। तो ये 12वां कारण है। 13वां कारण है, कई बार हमने देखा हुआ है कि हमारे वहां पर किसी कस्टमर का फोन आता है या हमने कई बार फोन किया है तो हमारा फोन जो है वो होल्ड पर रख दिया जाता है। वो कहीं ना कहीं वो कहा जाता है कि आपको वेट करना पड़ेगा। और ये होल्ड पर रखने का जो टाइमिंग है ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है और इसके कारण भी हमारे कस्टमर हमें छोड़कर जाते हैं। तो ये खास ध्यान रखना है कि हम अपने कस्टमर को कम से कम होल्ड पर रखें जिससे हमारा ग्राहक हमें छोड़कर ना जाए। तो होल्ड पर रखना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं ग्राहक छोड़कर जाने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। 14वां कारण है, कई बार देखा हुआ है हमने कि बहुत सारी जगह पर ना वेटिंग का टाइम होता है। तो ये वेटिंग का टाइम जो है ना बहुत दिक्कत होता है क्योंकि उससे उसके टाइम पास होता है, उसका टाइम वेस्ट होता है। कई बार हमने देखा है कि किसी भी प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और ये टाइम जो है ना प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं कस्टमर को इरिटेट करता है। कस्टमर चाहता है मैं वहां जाऊं कि जहां पर मुझे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करना पड़े, इजिली मेरा काम हो जाए। तो कहीं ना कहीं जब भी हमारा टाइम कहीं पर बचता है तो हम वहां जाना पहले पसंद करते हैं, ना कि वहां पे जहाँ हमारा टाइम वेस्ट होने के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा प्रोसेस, बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में प्रोसेस भी बनाना, ये भी कस्टमर को छोड़कर जाने का एक बड़ा कारण बनता है क्योंकि उससे उसका समय बिगड़ता है। और 15वां कारण है जो खास ध्यान रखना जरूरी है कि कई बार हमारा कस्टमर हमें कोई कंप्लेन करता है और कंप्लेन करने पे हम उसको एक बहुत इजीली रिप्लाई देते हैं और वो रिप्लाई ये होता है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम इसको सुधार लेंगे। और जब नेक्स्ट टाइम फिर से वो इसी चीज के बारे में कंप्लेन करता है तो हम यही कहते हैं कि उसके ऊपर काम चालू है और एक दिन ये सुधर जाएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके ग्राहक को आपके यहाँ से छोड़कर जाने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये 15 कारण मैंने आपको बताया कि जिससे आपका ग्राहक आपको छोड़कर जाता है। और ये चीजों को अगर हम अपने वहां पर संभाल ले, इन चीजों को अगर हम अपने वहां पे सही कर ले, तो मैं मानता हूं कि आपके ग्राहक आपको छोड़कर नहीं जाएंगे और आपको वो बेनिफिट मिलेगा जो आप चाहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला, सेल्स के लिए मार्केटिंग, नए कस्टमर वहां से आएंगे सेल्स और मार्केटिंग से। और दूसरा CRM, कि जिससे आपके पुराने ग्राहक आपके साथ टिकेंगे और पुराने लोगों के साथ में आप बिजनेस कर पाएंगे। तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको खास ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं वो जानने की कोशिश कीजिए। इन 15 में से कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी गलती हमसे हो रही है जिससे हमारा ग्राहक हमें छोड़कर जा रहा है। तो अगर हम इन ग्राहकों को छोड़कर जाने से रोक सकते हैं तो शायद हमारे बिजनेस को एक बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं और डेफिनेटली हमारा ग्राहक ही वो इंसान है जो हमारा बिजनेस बढ़ा सकता है। सो इसी शुभकामना के साथ में मैं इस आपको जरूर ये रिकमेंड करूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी वो चीज है, कौन सी वो गलतियां हैं जो आपके वहां पे हो रही है जिससे सुधारने से, जिसको सुधारने से आप अपने बिजनेस में एक अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।